बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। मित्रों, पैनल की लिस्ट है, बड़ी लिस्ट है और इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। आपके मोबाइल में आप टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और वहां पर सर्च करें राजेश गुरुजी, तो मेरा फोटो आइकन दिख जाएगा और मेरे ग्रुप में आप ऐड हो जाएं। और आपको बताना चाहता हूं भाइयों, टेलीग्राम पर ये लिस्ट मैंने डाल दी है, बहुत से जिलों की लिस्ट है और इसमें आप पैनल देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, समझाऊंगा, इसके बाद में फिर लाइव स्ट्रीम में भी चर्चा कर सकता हूं। तो यहां पर बालाघाट आप देख सकते हैं, बालाघाट और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, यहां पर टोटल पैनल एक है, यानी यहां पर एक नाम है पैनल में और एक का सिलेक्शन होना है। और दूसरा यहां पर बालाघाट आप देख सकते हैं, वहां पर भी एक है दूसरे स्कूल में। तीसरा स्कूल है, इसमें 32 लोग हैं पैनल में। तो ये नाम आप नहीं देख सकते, ये नाम सिर्फ प्रभारी की आईडी से वो ही देख सकते हैं। और यहां पर आप ये देख सकते हैं कि पैनल में कितने नाम हैं, तो आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर 36 नाम, 27 नाम पैनल में आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह से यहां पर पैनल की ये बड़ी सूची इसको कह सकते हैं, देखिएगा भाइयों कितनी बड़ी है। और यहां पर बालाघाट देख सकते हैं आप 168 और समस्त जिले इसमें हैं और बड़ी लिस्ट है यहाँ पर। और यहाँ पर बालाघाट का एक पैनल है जिसमें 207 आवेदन हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं 207 लोगों में से एक का चयन होता है। और जो वीआईपी जगह होती है, जैसे कि जिले में स्कूल है और वहाँ पर अभ्यर्थी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर विज्ञप्ति निकलती है तो बहुत आवेदन भी करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 119, 4, 17, 114, 9, 6, 22, 5 और स्कूलों के हिसाब से यहाँ पर वैकेंसी हैं, 224 हैं आप देख सकते हैं। जाम प्रिंसिपल जीएमएस और 224 गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी लिस्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि पैनल की सूची तैयार, जल्द अतिथि शिक्षक भर्ती का आदेश आ रहा है। और ये लिस्ट को अगर एक एक नाम में आपको बताऊंगा तो यहाँ पर भिंड जिले की आ चुकी है, तो आप देख सकते हैं। और बहुत से स्कूलों में एक नाम दिए हैं, एक नाम यानी ये पूर्व से जो कार्यरत अतिथि शिक्षक है वो एक ही काम करता चला आ रहा है, वहाँ पर आवेदन नहीं किए हैं तो एक ही सिलेक्ट है तो वो चयनित होगा। इसके बाद में अगर और बाकी हैं तो रीमार्क किया जाएगा उनको। और ये लिस्ट जारी कर दी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस लिस्ट को देखने के लिए आप पीडीएफ में नहीं देख सकेंगे। और यहाँ पर छिंदवाड़ा की भी लिस्ट में आपको बताना चाहता हूँ, देख सकते हैं 54, 2, 3 गवर्नमेंट एमएस और यहाँ पर नाम थोड़ा कटा आ रहा है। और इस तरह की लिस्ट जारी हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जिलों की। और अब यहाँ पर छतरपुर की लिस्ट आ चुकी है, छतरपुर की समस्त लिस्ट आपको बता रहा हूँ जो कि पैनल को लेकर है। इसमें कार्यरत अतिथि शिक्षक नहीं है, इसमें वो अतिथि शिक्षक भी हैं जिनके नाम पैनल में हैं, यानी अगर किसी स्कूल ने किसी स्कूल में 20 आवेदन किए हैं तो 20ों के नाम पैनल में ऐड होंगे मित्रों। तो इस तरह से लिस्ट आपको बताना चाहता हूं और मेरे WPS ऑफिस पर मैं आपको ये दिखा रहा हूं, इसलिए बड़ी लिस्ट है। यहां पर आप एक्सेल सीट के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद रायसेन की आप देख सकते हैं मित्रों, समस्त स्कूलों के नाम इसमें दिए हुए हैं जहां पर गेस्टों की भर्ती होना है, राजगढ़ और यहां पर ब्यावरा, अलीराजपुर, समस्त जिले जो हैं वो समस्त विकास खंडों के स्कूल, समस्त जिले, समस्त संकुल, यहाँ पर लिस्ट में आपको बताना चाहता हूँ। आखिरकार टोटल काउंट करेंगे कितने अतिथि शिक्षकों की ये लिस्ट है भाइयों, यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम में जो काउंटिंग चल रही है 5251 स्कूलों की लिस्ट मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद में रतलाम और टोटल स्कूलों की लिस्ट में आपको 5856 स्कूल दमोह जिले की लिस्ट चल रही है। और इसके बाद में और नीचे जाते हैं तो दतिया की लिस्ट आ जाती है मित्रों। और यहां पर टोटल काउंट करते हैं नीचे देवास और यहां पर 7096 स्कूलों की लिस्ट जो कि पैनल के रूप में बनाई गई है। 7000 स्कूलों में कितने आवेदन किए हैं उसकी काउंटिंग नीचे देखते हैं, इसमें एक्सेल सीट में है या नहीं है मित्रों। ग्वालियर की लिस्ट और यहाँ पर 8678 स्कूलों की लिस्ट में आपको कितनी बड़ी लिस्ट है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। और इसके बाद में नर्मदापुरम, होशंगाबाद,
यहाँ पर दी हुई है और नर्मदापुरम की बड़ी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप। और इसके बाद में नीचे देखते हैं मित्रों, इंदौर, जबलपुर और समस्त जो कि वैकेंसी हैं, और यहाँ पर 10,264 स्कूलों की ये लिस्ट आपको बताना चाहता हूँ। नीचे काउंट करके देख लेते हैं, और यहाँ पर केसली यानी सागर 16,562 स्कूलों का पैनल लिस्ट में आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद में देख सकते हैं, और नीचे टोटल यहाँ पर एक और एक्सेल सीट होगी और इस सीट में काउंट नहीं हो पाए हैं, और 27,736 स्कूल। लेकिन देखते हैं नीचे कितने नीचे तक ये लिस्ट है दोस्तों, और 3 से 4 इस एक्सेल सीट में नाम सो नहीं हो पा रहे हैं, और मात्र 27,388 सीधी तक की लिस्ट है, बाकी ये लिस्ट में अपडेट नहीं हो पाए हैं स्कूल। तो आपको ये लिस्ट देखना है, और अगर चाहिए तो इस लिस्ट में सिर्फ इतना है कि आप ये पता कर सकते हैं कि इस स्कूल में पैनल बना है और 10 अभ्यर्थी हैं या 20 अभ्यर्थी हैं। 20 अभ्यर्थियों के नाम आप नहीं दे सकते, वो कौन है वो सिर्फ प्रिंसिपल और संकुल प्राचार्य देख सकते हैं, बाकी 1-2 वाले भी बहुत स्कूल हैं। तो फिर आ रहा हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।